हेलो गाइस, आई एम कमलेश कुशवाहा सर। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस, सेल्फ एजुकेशन, आईसी ब्लॉगर से। टारगेट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, बैंक क्लर्क एंड रेलवे, सेल्फ एजुकेशन, आईसी ब्लॉगर। संसद के दो अधिवेशनों के मध्य से अधिक कितना अंतर हो सकता है? संसद के जो अधिवेशन होते हैं उनके मध्य से अधिक कितना अंतर हो सकता है? ऑप्शन है 6 मंथ, 6 माह, 6 सप्ताह, राष्ट्रपति की इच्छा पर 1 वर्ष। इसका उत्तर है 6 माह। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को वेतन किस निधि से प्राप्त होता है? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को वेतन किस निधि से प्राप्त होता है? ऑप्शन है इसका, पहला है राजकोष से, दूसरा भारत की संचित निधि से, तीसरा आकस्मिक निधि से, चौथा है विनियोग विधेयक से। इसका करेक्ट आंसर है भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 215, 214, 210 और 280। करेक्ट आंसर इज 214, 214। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा किस बहुमत से प्राप्त प्रस्ताव पारित कर विषयों पर कानून बना सकती है? क्वेश्चन है, राज्यसभा किस बहुमत से प्रस्ताव पारित कर विषयों पर कानून बना सकती है? ऑप्शन है 1/3, साधारण बहुमत, 3/4, 2/3। करेक्ट आंसर है 2/3। किस वर्ष के लिए लोकसभा तथा राज्यसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था? क्वेश्चन है, किस वर्ष के लिए लोकसभा तथा राज्यसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था? ऑप्शन है 1995, 1997, 2000, 2001। करेक्ट आंसर इज 2001। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? लोकसभा सदस्य, ऑप्शन है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, संसद के सदस्य। करेक्ट आंसर है विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का राज्यपाल जनजातीय क्षेत्र के शासन हेतु विशेष अधिकार रखता है? क्वेश्चन है, किस राज्य का राज्यपाल जनजातीय क्षेत्र के शासन हेतु विशेष अधिकार रखता है? ऑप्शन है इसके, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। राज्यसभा व लोकसभा के मध्य विवाद की दिशा में राष्ट्रपति क्या कदम उठाते हैं? क्वेश्चन है, राज्यसभा व लोकसभा के मध्य विवाद की दिशा में राष्ट्रपति क्या कदम उठाते हैं? आंसर है इसका, लोकसभा भंग कर देते हैं। ऑप्शन है लोकसभा भंग कर देते हैं, राज्यसभा भंग कर देते हैं, दोनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ये, दोनों की संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन की अध्यक्षता सदन के सदस्य द्वारा नहीं की जाती? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज राज्यसभा।
महान्यायवादी के बारे में निम्न कथन असत्य है। निम्न कथन असत्य है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। आ और बात दोनों कथन सत्य है। आ और बात दोनों कथन असत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये आ और बात दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है इसके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर इज राष्ट्रपति। सुमेलित कीजिए। चौथी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था। छठी अनुसूची दल बदल के कारण अयोग्यता। आठवीं अनुसूची राज्यसभा के राज्यों के सदस्यों की संख्या। दसवीं अनुसूची भाषाएं। ऑप्शन है 4132 यानी और सेकंड है 3142, थर्ड है 3124, फोर्थ है 1342। करेक्ट आंसर ये 3142। चौथी अनुसूची राज्यसभा के राज्यों के सदस्यों की संख्या। करेक्ट आंसर। छठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था। आठवीं अनुसूची दल बदल के कारण अयोग्यता। दसवीं अनुसूची भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर कहलाता है? क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर कहलाता है? ऑप्शन है दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार और चंडीगढ़। इसका करेक्ट आंसर है पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य की विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य की विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट ऑप्शन है इसका 25, 30, 40, 50। करेक्ट आंसर इज 40। 86वें संविधान संशोधन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन का संबंध है। ऑप्शन है विधायिकाओं में महिलाओं से आरक्षण, नौकरियों में महिलाओं से आरक्षण, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर करेक्ट है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने निम्न में से किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्न में से किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ऑप्शन है हिंदू कोड बिल, पेप्सो विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर, दहेज प्रतिषेध विधेयक। करेक्ट आंसर ये भारतीय डाकघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह सदन में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। करेक्ट आंसर इज 60 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है प्रधानमंत्री अपना त्याग दे देता है। ऑप्शन बी है संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ये इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम हो सकता है? ऑप्शन है क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम हो सकता है। ऑप्शन है लोकसभा व विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है, या फिर क्रम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर रहता है, या फिर लोकसभा व राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 25% हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर रहता है। करेक्ट आंसर इज मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम हो सक लोकसभा व विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन ए, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत रहने तक अपने पद पर सामान्यतः बना रह सकता है। कारण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा में प्रति उत्तरदायी रहता है। ऑप्शन है इसका कथन व कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या करता है। वी है कारण व कथन दोनों सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कारण गलत है परंतु कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका करेक्ट आंसर ये कारण व कथन दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है जब तक क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है जब तक कि ऑप्शन है उसे लोकसभा पर विश्वास लोकसभा से विश्वास प्राप्त हो, वह उसे अपने दल के सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो, उसे राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है जय उसे अब लोकसभा का विश्वास प्राप्त से। एकात्मक संविधान के लक्षणों में कौन सा एक नहीं है? आंसर है ऑप्शन है एकल नागरिकता, केंद्र शक्तिशाली होना, संकटकालीन प्रावधान, संसद में राज्यों का सदन राज्यसभा। करेक्ट आंसर है राज्यसभा, संसद में राज्यों का सदन राज्यसभा। थैंक यू। ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू, हमेशा कुछ नया करने की सोचो। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल।